नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भारत ने जो अपना चंद्रयान 2 का मिशन जो है जुलाई में लॉन्च किया था, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, और अब सितंबर के महीने में ये चंद्रयान जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बनेगा विश्व में, क्योंकि आज तक अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। यह मिशन बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे सफल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता के 11 साल के बाद इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया था GSLV-3 के द्वारा। GSLV-3 एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अत्याधुनिक प्रक्षेपण यान है। ये करीब जो है 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने तक की क्षमता रखता है। इसको ले जाने में पूरी तरह सक्षम है, और इसीलिए इसरो ने इस रॉकेट को चुना। करीब 3850 किलोग्राम वजन के चंद्रयान 2 के तीन प्रमुख भाग हैं। पहला है इसका ऑर्बिटर भाग है, दूसरे भाग को इसको लैंडर कहते हैं, इसको विक्रम के नाम से भी जान रहे हैं, और तीसरा भाग है इसका रोवर, जिसको हम प्रज्ञान के नाम से जान रहे हैं। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान विक्रम को चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतारेगा, मतलब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, जो कि अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया। इंडिया पहला देश है जो ये सॉफ्ट लैंडिंग अपने चंद्रयान की करेगा, वो भी चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर। उसके बाद विक्रम रोवर को यानी प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर घूमने फिरने के लिए उतार देगा, जहाँ पर प्रज्ञान जो है वैज्ञानिक अनुप्रयोग करेगा, पानी की खोज करेगा, खनिजों की खोज करेगा, और काफ़ी सारी चीज़ों की खोज करेगा, और उसकी रिपोर्ट जो है वह धरती पर सेंड करेगा। रॉकेट जो है 178x38,500 से अधिक किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित कर देगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है एक व्यवस्थित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से 5 बार मोटर फायरिंग की जाएगी, जिससे चंद्रयान जो है 105,242 किलोमीटर की एपोजी वाले कक्षा में पहुंच जाएगा। फिर चंद्रयान को ल्यूनर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा दिया जाएगा। यहां से चंद्रयान तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। चंद्रयान को चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए उसके लिक्विड एपोलॉजी मोटर को फिर से चालू किया जाएगा। कुछ दिनों में यान को चांद के करीब 100x100 किलोमीटर की राउंड कक्षा में लाया जाएगा, और ऑर्बिट जो है वो यहीं पर रह जाएगा। इसके आगे ऑर्बिट नहीं जाएगा, इसके आगे जो है सिर्फ विक्रम जाएगा और उसके अंदर रोवर जाएगा। और डी बूस्टिंग के बाद जो है यान जो है चंद्रमा की 100x30 की कक्षा में लाया जाएगा, जहां 4 दिन तक वो चांद की सतह के चारों तरफ ही घूमता रहेगा। दोस्तों, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान मिशन 2 जो है वो सफल होने के बहुत ही करीब आ गया है, और चंद्रयान 2 चंद्रमा की साउथ पोल पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला है, और इसको जो है पूरी तरीके से सफल माना जा रहा है। और सारी दुनिया जो है हमारे देश की तरफ आँख उठाकर देख रही है कि भाई इंडिया ने ये काम कैसे कर दिया। तो हमारे लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये सब काम जो है किया है। OHRC पेलोड जो है साउथ पोल में सही जगह ढूंढने का काम करेगा, कैमरे से इसके लिए हुए चित्रों को धरती पर भेजेगा, और उसके लैंडिंग साइट को विक्रम से अपलोड किया जाएगा। उसके बाद नीचे उतारने की शुरुआत होगी। विक्रम पहले 100 किलोमीटर उड़ेगा चांद से, उसके बाद जो है धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ वो बढ़ेगा। उसके बाद जो है जब लैंड विक्रम जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा, उसके बाद जो है प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा, और ऑर्बिटर जो है 1 साल तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काटता रहेगा। वो चंद्रमा की जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं वो धरती पर सेंड करेगा, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी धरती पर भेजेगा। और इस दौरान जो प्रज्ञान जो है और विक्रम जो है 14 दिन तक ही चंद्रमा पर काम करेंगे, मतलब चंद्रमा का 1 दिन वहाँ पे जो होगा उतने टाइम तक वो चंद्रमा पे काम करेंगे, और वहाँ पे जो है पानी की खोज करेंगे, जितने प्रकार के खनिज वगैरह हैं उनकी खोज करेंगे, और क्या क्या घटनाएं वहाँ पे होती हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आता है, क्या जो कुछ भी होता है उस सब की जानकारी भारत को भेजेंगे। और भारत अभी एक ऐसा शक्तिशाली देश बन जाएगा जिसके पास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जो है पूरी पूरी जानकारी होगी। तो दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे देश ने जो है चंद्रयान 2 को जो है चंद्रमा के ऊपर लॉन्च किया, और चंद्रमा की सतह पर जो हमारा देश जो है अपना यान जो है लैंड करवाने में सफल होने वाला है। तो दोस्तों,